अच्छा, कुछ सवाल हैं जो मुझे आप लोगों से पूछने हैं और देखते हैं कि आप लोगों के नजदीक उसके क्या जवाब आते हैं और लोग क्या कहते हैं. ठीक है, पहला सवाल कहाँ आ रहा है? ओके, लंडा बाजार जो होता है, सुनिए, लुंडा होता है कि लंडा होता है, मुझे समझ नहीं आ. लंडा, कुछ लोग लुंडा बोलते हैं, कुछ लोग लंडा बोलते हैं. एनीवेज, लंडा लंडा बाजार में लोग ज्यादातर क्या खरीदने जाते हैं? जूते खरीदने जाते हैं या कपड़े? आई गेस जूते. जूते, जूते. आप लोगों को लगता है जूते? जूते. हाँ, कपड़े मेरे ख्याल जूते. जूते, खैर दोनों ही लग रहा है, लेकिन दोनों ही होते हैं. ज्यादा कपड़े मेरे ख्याल में. जूते, आप कह रहे हैं कपड़े, आप कह रहे जूते. जूते, 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 जूते. अच्छा, काफी लोग कपड़े इसलिए खरीदते, पहले डॉलर निकलते थे ना उसमें से. आई थिंक जो लोग बाहर सर्दी के मुल्क में कहीं जा रहे हो ना, तो वो वहाँ से ओवरकोट खरीदने जाते हैं. ये तो है. अच्छा, वो और कहीं नहीं मिलते. और पर्दे भी मैंने सुना है बड़े अच्छे मिलते हैं. मुर्दा अंग्रेजों के कपड़े होते मुर्दा अंग्रेजों के कपड़े नहीं होते. मैं जर्मनी में रहती थी, तो वहाँ एक चीज होती थी स्ट्रासे. सड़क पे जो आपकी जरूरत की चीज नहीं होती थी, आप सड़क पे खड़े होके बेच भी देते थे. कुछ कहीं जगह फ्लो मार्केट लगती थी, बेचते थे सस्ते दामों, कहीं आप ऐसे ही ले जाए. सोफे रख देते थे घर के निकाल के, भाई आपके घर में फिट आ रहे तो रख लेना. दैट्स एवरीवेयर इन यूरोप. हाँ, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो, आप तो ये वो वाली में माल है. और फिर वहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर चैरिटी की शॉप्स भी हैं. हाँ. शॉप्स पे आई होप कि यहाँ पर भी खुल जाए. बहुत अच्छा वो सिस्टम होता है. हाँ. आपके पुराने कपड़े आप उनको धो के इस्त्री करके अच्छी तरह आप शॉप पे रख. अच्छा, आपको पता है यहाँ शॉप नहीं है, यहाँ पे एक क्या था वो एक वॉल है, एक वॉल है, उसमें एक अलग अलग कैबिनेट्स बने हुए. जैसे आपकी अब किताबें हैं, ये किधर है? मैंने अनाउंस किया था. प्लीज प्रॉपर एड्रेस इसका बारे में अनाउंस कर चले. ये लाहौर का है. एक एक कैबिनेट था उसमें किताबें हैं, एक कैबिनेट था उसमें जैसे कोई और जरूरत का सामान है. अलग अलग कैबिनेट्स बने हुए हैं उसके. okay, ये लाहौर में किधर है? एक लाहौर में एक रेस्टोरेंट वाले रांची में भी बनी थी एक वो वॉल ऑफ दीवारे मेहरबानी. उसमें कुछ था भी या वो खाली रहती? उसमें लटकाते थे ना दीवारे मेहरबानी. है जगह जगह बनी हुई है जगह दीवारे मेहरबानी. ओके, ब्रिजेस के नीचे अक्सर कराची में भी. दैट्स वंडरफुल. ओके भाई, क्या जवाब है? जूते खरीदने जाते हैं लंडा बाजार के कपड़े? जूते, जूते. आप लोगों का सबका जवाब दुरुस्त हुआ. इजाज आपका गलत हुआ. कपड़े नहीं, जूते ज्यादा खरीदते हैं. इजाज कभी गए नहीं ना वहाँ. इजाज बताना नहीं चाह रहे थे. ओके, नेक्स्ट सवाल. बिजली का बिल ज्यादा आने पर किसको बातें सुनाई जाती हैं? बिजली के इदारे को या घर के बच्चों को? बिजली के इदारे को. हमारे घर में तो बीवी को. हमारे घर में तो सोलर लगा हुआ है. अच्छा, ओए ओए ओए, आता है लेकिन कम काम आता है. आप ही बताओ, बिजना बिजली के इदारे को. मेरे ख्याल में बिजली ज्यादा जाने में बातें सुनने को मिलती है. बिल पे भी होती है. नहीं, लेकिन घर वालों को ज्यादा नहीं बोलते एसी ऑन छोड़ दिया, लाइट क्यों ऑन छोड़ दी. मैं और सुनीता कह रहे हैं कि बच्चों को, घर वालों को, बिजली के तारे को. आपको लगता है बिजली के तारे? भाई मैं, हमारे यहाँ हालांकि सोलर लगा है, लेकिन मैं अभी भी बच्चों को बोलती हूँ फजूल में लाइट क्यों जल रही है, पंखा क्यों. वो तो बोलते हैं, लेकिन जनरली लोग, आप देखे ना अखबारों में, सोशल मीडिया पे शोर मचा रहा था, अरे हमारा बिल इतना आ गया, इतना पहले पिछले महीने इतना आया था और अब इतना आ गया. कमेंट ये करते बिजली आती नहीं, बिल भेज देते हो. ओके, दिखाएं भाई. ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, बिजली के इदारे या घर के बच्चे? ये देखा, हम सही की घर की औरतें हैं. हमें पता है ना, हमारे बच्चों को सुनाते हैं खुद.